आज इस वीडियो में हम बात करेंगे EM5 के मोनार्क के बारे में, जो कि है, बताया जाता है कि ये YSL के ला नू दी लोमे का क्लोन है। सो कैसा है ये यहाँ पर क्लोन, कैसी है इसकी खुशबू और कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, आज बात करेंगे इस छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों, मैं वर्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर काम अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं पैकेजिंग की, तो यार मैं पैकेजिंग से बहुत इंप्रेस हुआ। मतलब बहुत यार, कितने अच्छे से इन लोगों ने पैकेजिंग करके देखा और मुझे ये चीज करके भेजा था समाज, पैकेजिंग करके ये भेजा है परफ्यूम। आई एम रियली इंप्रेस, राइट। इवन जो आउटर बॉक्स था उसके अंदर जो पैकेजिंग थी वो कमाल की थी। और इसके अलावा इन्होंने मुझे एक और यहाँ पर ये भेजा टेस्टर करने के लिए, मतलब टेस्टिंग करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अगर मुझे ये वाला परफ्यूम भी पसंद आएगा, इन्होंने जो फ्री भेजा है, हालांकि ये सिर्फ 2 ml है, लेकिन जब मैं इसको ट्राई करूंगा, अगर ये मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको भी परचेज करूंगा, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो EM5 अपना रही है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पैकेजिंग एंड दिस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मैं बात करूँ बॉक्स की, तो बॉक्स भी यार काफ़ी अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो इसकी फीलिंग है ना, वो काफ़ी प्रीमियम है। मतलब एक तो होता है कि ऐसे ही बॉक्स बना देते हैं और फिर बेचते हैं, राइट। इसकी जो इन्होंने पैकेजिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है बॉक्स बाहर से। आप चाहे बॉक्स की क्वालिटी ले लो या फिर बॉक्स के इवन अंदर जो अभी परफ्यूम है, जिस तरह से इन लोगों ने उसको रखा हुआ है ना, लिटरली यार इसके अंदर जो पैकेजिंग है, जब आप इस परफ्यूम को मंगाओगे ना और उसकी पैकेजिंग देखोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ यार, ये लगता है कि कुछ अच्छा परफ्यूम है। अगर आप ये किसी को गिफ्ट भी करोगे तो इसकी जो एटलीस्ट जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना, जो फर्स्ट इंप्रेशन ये क्रिएट करेगा, वो काफ़ी इंप्रेसिव होगा। तो खैर, ये तो था इसकी पैकेजिंग के बारे में, तो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द पैकेजिंग। तो खैर, अब इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में, राइट। तो इसके लिए तो मैं गारंटेड थम्स अप देना चाहूँगा इस कंपनी को, मैंने परचेज किया था अमेजोन से। तो अभी आप देख सकते होंगे, ये है बेसिकली बॉटल, 50 ml की ये बॉटल है। काफ़ी सिंपल सी, सोबर सी बॉटल है, राइट। सिंपली यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है EM5 मोनार्क, राइट। आउ दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में है, राइट। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पास से, थोड़ा इस तरीके की, राइट, बॉटल है, देख सकते होंगे आप, राइट। थोड़ा सा आपको आइडिया लगे, काफ़ी पतली सी बॉटल है, काफ़ी सिंपल सोवर सी है, लेकिन क्यूट सी लगती है, राइट। ये चीज़ है, काफ़ी क्यूट बनाया हुआ है इन्होंने। आई थिंक यू नो, इट्स रियली क्यूट काइंड ऑफ अ बॉटल, आई वुड से, राइट। सो ये चीज़ है। अब मैं बात करूँ बेसिकली इस परफ्यूम की, तो मैं ओपन करता हूँ, और सबसे पहले आपको पता मेरी आदत क्या है, मैं इसको स्प्रे करूँगा और इसके बाद आपको बताऊँगा कि कैसा है। लेकिन उससे पहले इसके एटमाइजर के बारे में देखते हैं। ये देखिए, वाह, क्लाउड आपको वीडियो में दिख रहा होगा, क्या बढ़िया क्लाउड मिल, मतलब बन रहा है। तो आई थिंक ये जो स्प्रेयर है, जो एटमाइजर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, स्पेशली जिस प्राइस पॉइंट में ये आता है। अदरवाइज मैंने इससे महंगे परफ्यूम्स का भी रिव्यू किया है, जो कि 2000-1500 की रेंज में आता है, कई बार उसका भी बेकार दे देते हैं। लेकिन इसका जो स्प्रेयर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एक प्रॉपर क्लाउड बन रहा है, जैसा कि एक अच्छे परफ्यूम में होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि कैसा है ये परफ्यूम, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके फर्स्ट इंप्रेशन की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके नोट्स का ब्रेकडाउन और क्या इसका पूरा हिसाब है और क्या ये वाकई में YSL के ला नुएट दी लोमे का क्लोन है, राइट। सो उसी के बारे में बात कर। सो अभी स्मेल करते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहले जैसे ही इसको आप स्प्रे करोगे ना, तो स्मेल आती है। आई थिंक सबसे पहले जो चीज मुझे फील होती है, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सिट्रस, यू नो, जैसे आपको पता होगा कि सिट्रसी टाइप के परफ्यूम होते हैं, उसके साथ में इलायची का टच फील होता है। लिटरली दो चीजें जो फर्स्ट इंप्रेशन में आती है ना, वो है सिट्रस, इलायची और हल्का सा उसमें लेमन, राइट। तो अगर आप इन तीन चीजों को एक साथ एक जगह मिलाएं, तो उस तरीके की स्मेल यहाँ पर महसूस होती है। फर्स्ट जैसे कि इलायची और फिर सिट्रस टाइप में, और यहाँ पे लेमन का तुरंत उसके बाद में, जैसे ही वो कुछ सेकंड होती है, तो लेमन जैसा फील होता है, राइट। और उसके बाद बड़ी ही मैं कहूँगा कि प्लीजेंट सी एकदम स्मेल आती है, थोड़ा सा रुकने के बाद 15-20 सेकेंड, एकदम स्मेल जो है वो एक प्लीजेंट सी हो जाती है काफ़ी।
काफ़ी प्लीजेंट सी यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके का मुझे फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ पर इसमें लगता है, राइट। ये मेरी हमेशा से आदत है, जब मैं रिव्यू करता हूँ तो मैं आंख बंद करके एक बार ये मतलब महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि क्या है इसके अंदर, मतलब क्या फील हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में जब आप लगाओगे तो आपको फील क्या होगा या दूसरों को क्या फील होगा, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इसके नोट्स के बारे में, राइट। टॉप नोट में कार्डमम का इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा इसमें लेवेंडर और बर्गमो का भी इस्तेमाल किया गया है। बेस नोट में बात करें तो कारवे और वेटिवर का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया गया है। तो इन सबसे मिला के बेसिकली ये परफ्यूम बना है। अब जहां तक हम बात करें कि जो YSL है उसका जो परफ्यूम है, YSL का LNDL जो है लाल मुद्दी लो में, उसके जो बेसिकली यहाँ पर ये क्लोन है, कितना क्लोज है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑफकोर्स वैसे तो ये काफी हद तक सेम ही लगता है, राइट। मैं कहूंगा मे बी अराउंड 90 to 92% इट्स ऑलमोस्ट सेम। लेकिन एक चीज है, आप ये देखेंगे कि इलायची वगैरह हम इस्तेमाल तो करते ही हैं, आप एक चीज देखोगे कि जैसे ये सारे जो नोट्स हैं, राइट, जिस प्राइस पॉइंट में ये सब चीजें आती हैं, जिससे कि उनकी जो नेचुरल खुशबू है उसके जो नोट्स का इस्तेमाल इसके अंदर करना, आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल है जिस प्राइस में ये आता है, राइट। तो ये चीज तो है कि इसके अंदर थोड़ा आर्टिफिशियल नोट्स का, आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल किया गया है उन्हीं सब नोट्स को लाने के लिए जो कि उस YSL के परफ्यूम में है। तो इसी वजह से आपको ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ही, ये चीज तो जरूर से मैं कहना चाहूंगा, राइट। कि ऑफकोर्स आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो इतना महंगा परफ्यूम है YSL का, उसको ये परफ्यूम जो कि हजार रुपए के अंदर आता है, राइट, EM5, राइट, ये टक्कर दे देगा, राइट। लेकिन अगर आपको ₹1000 के अंदर ये क्लोन मिल रहा है और जो कि इतने अच्छे इतने महंगे परफ्यूम को ऑलमोस्ट 90 to 92% 95% तक भी अगर मैं कहूँ अगर 85 to 92% भी अगर ये सेम स्मेल कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये कहा जाएगा कि काफ़ी अच्छा क्लोन है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ, काफ़ी हद तक ये ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 90 to 92% एक अच्छा क्लोन है। मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल लगता है तो ये नहीं कहूँगा कि ये खराब है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्लोन है, राइट। तो ये चीज़ है। अब जो YSL वाला है, बेसिकली मैंने उसको किसी के यहाँ पे स्मेल किया हुआ है तो मुझे उसका आइडिया है, राइट। तो मैं उस हिसाब से आपको कह सकता हूँ कि ये जो परफ्यूम है ये बेसिकली काफ़ी हद तक उसके क्लोज है और ये उसका एक काफ़ी अच्छा क्लोन है, राइट। और सबसे अच्छी बात ये है कि और जो कंपनीज है, आर्टमाफ या फिर और भी कंपनीज है, उनके प्राइसेस अब इतने हाई हो चुके हैं, तो उससे अच्छा ये है कि आपको ये सिर्फ आई थिंक मे बी 500 to 1000 के बीच में मिल जाता है। तो इतने अच्छे परफ्यूम का क्लोन इस प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सही है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ठीक ठाक क्लोन है ये, और अगर आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो हाँ, ये कर सकते हैं। मोनार्क जो है YSL के लान विद द लॉमी का अच्छा क्लोन मुझे ये लगा अभी तक। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अब देखिए, ये जो परफ्यूम है, राइट, वैसे मुझे ओवरऑल अच्छा लगा, लेकिन जो अगर परफॉर्मेंस पे आ जाए तो यार, कंपनी जो कहती है कि मैं, अगेन वही बात है कि मेरी आदत है साफ बोलने की, राइट। कंपनी भले ही वहाँ पे वेबसाइट पे लिखे कि ये तो जी 18 घंटे तक रुकता है, 20 घंटे रुकता है, राइट, और ये इतने घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, पर एक्चुअली सच्चाई क्या लगी मुझे, मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कोई मे बी 5 घंटे मैक्सिमम, 5.5 घंटे, राइट, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6 घंटे, टू बी ऑनेस्ट विद यू 5, 5.5 घंटे तक ये मैक्सिमम स्टैंड करता है, आपकी बॉडी पे लास्ट करता है। और उसमें भी जो प्रोजेक्शन है वो हार्डली 45 मिनट से 1 आवर का है, 45 मिनट से 1 आवर के बीच में आप देखोगे कि ये मतलब काफ़ी क्लोज हो जाएगा बॉडी के, मुझे लगता है ऐसा। मैंने जो जितनी भी बार ट्राई किया, 45 मिनट से 1 आवर के आसपास का इसका प्रोजेक्शन है, उसके बाद काफ़ी क्लोज हो जाता है। कोई आपके बिल्कुल करीब होगा तब उसको महसूस होगा, आपको खुद को ऐसे ट्राई मारोगे तो महसूस होगा, लेकिन वो जो प्रोजेक्शन होता है ना, जो कि कम से कम आप मान सकते हो 2 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन होना चाहिए एटलीस्ट, मैं मानता हूँ, तो वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग लगी मुझे, राइट। अगर इसका प्रोजेक्शन, आई थिंक ये क्लोन तो मुझे सही लगा, काफ़ी हद तक मैं कह सकता हूँ कि एक रेस्पेक्टेबल क्लोन लगा, राइट, YSL के उस परफ्यूम का। लेकिन जो एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि इसका प्रोजेक्शन टाइम बहुत कम है, काश इसका प्रोजेक्शन टाइम मे बी 2 आवर्स के आसपास भी होता, मे बी 1.5 घंटे से 2 घंटे भी होता लिटरली, तो उस केस में काफ़ी अच्छा रहता। हालांकि हाँ, अगेन मैं कहूँगा कि 5, 5.5 घंटे तक ये रहता है बॉडी पे,
तो एटलीस्ट कुछ चीज़ आपको फील तो होगी। लेकिन अगेन यू नो प्रोजेक्शन, थोड़ा सा प्रोजेक्शन टाइम अगर बढ़ता इसका तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अगेन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर आप YSL के उस परफ्यूम का यू नो अगर कोई क्लोन चाहते हैं, जो कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्लोन चाहते हैं और जो कि अफोर्डेबल प्राइस में हो, या मैं कहूँ कि यू नो तो उस हिसाब से ये काफ़ी रेस्पेक्टेबल, काफ़ी अच्छा क्लोन हो सकता है EM5 का Monarch, राइट। सो ये चीज़ है। नाउ अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस प्राइस में आप बहुत हाई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से ठीक भी है। बट अगर हम इस कंपनी को एक सजेशन देना चाहें वो ये कि अगर आप अपना प्रोजेक्शन बढ़ा सको, प्रोजेक्शन को 2-2.5 घंटे तक रियलिटी में कर सको, बजाय कि लिखने के कि भाई इतनी देर का है इतनी देर का है, अगर रियलिटी देखोगे, अगर आप सिर्फ 1 घंटे के आसपास तक का प्रोजेक्शन मैक्सिमम खींच के है, वो भी 45 से 1 आवर का, अगर सही प्रोजेक्शन अगर मैं बात करूँगा रियलिटी में, ये 2 से 2.5 घंटे का प्रोजेक्शन दे सके, या मैं कहता हूँ 2 घंटे का भी दे सके, तो उस केस में ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हालांकि स्टिल जिस प्राइस में आता है 500 से 1000 रुपए के बीच में, बुरा नहीं है परफ्यूम, आप इसको कंसिडर करना चाहो एज अ YSL। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, डेट पे लगाने के लिए काफी अच्छा परफ्यूम है वो, तो वैसे आपको किसका एक लोन है उसके हिसाब से भी आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप इसको एज एन इंडिविजुअल भी देखते हो, तो अगर आप डेट वगैरह पे जाते हो या थोड़ा यू नो रोमांटिकल यू नो रोमांस के हिसाब से काफी अच्छा परफ्यूम है, राइट, एज अ YSL के उस वाले क्लोन की तरह, तो यू नो YSL के उस वाले परफ्यूम के क्लोन की जगह इसको कंसिडर करना चाहो तो आप जरूर से कर सकते हो, राइट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेजोन का, जहां से आप परचेज कर सकते हो, तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आई हो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, अगली कौन सी वीडियो चाहते हैं किस परफ्यूम पे कमेंट करके जरूर बताएं, और चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।